हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। फ्रेंड्स, फाइनली आज हमारे सामने है दी ऑल न्यू 2023 Hyundai Verna। लुक में तो काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रही है ये गाड़ी। इसका एक्सटीरियर कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया है और इंटीरियर में भी आपको काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में हम कम्प्लीट डिटेल रिव्यू करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और जो चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको टाइमली मिलती रहे। अब अगर इसके प्राइस रेंज की बात की जाए, जो इसका बेस वेरिएंट है EX, उसका प्राइस है 10,89,000 और ये जाता है अप टू 17,37,900 तक। इसमें काफ़ी सारे वेरिएंट्स आते हैं। जो आज हमारे पास वेरिएंट मौजूद है ये है SX IVT, जिसका प्राइस है 14,23,500 एक्स शोरूम पंचकुला। इसमें आपको सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट ही देखने को मिलेगा, लेकिन जो इसकी ट्रांसमिशन है वो ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ही इसमें मिल जाते हैं। इसमें पेट्रोल में ही 2 इंजन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, वन है 1.5 लीटर टर्बोचार्ज इंजन और दूसरा है 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड। इसकी इंजन और पावर फिगर की डिटेल आप स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हैं। अब इसके फ्रंट प्रोफाइल की बात की जाए तो इसमें आपको Hyundai की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है फर्स्ट टाइम इन इट्स कॉम्पिटिशन। इसमें जो कनेक्टेड DRLs जो इसके दिए गए हैं फ्रंट प्रोफाइल में, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं देखने में। फ्रंट प्रोफाइल जो इसकी है वो काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर बनाई गई है और जो भी इसकी डायमेंशन है वो फर्दर मैं आपको बताऊँगा क्या कुछ इसकी डायमेंशन दी जाती है। LED हेडलैम्प्स इसमें ऑफर किए जाते हैं, साथ में टर्न इंडिकेटर इसमें दिए गए हैं। जो फ्रंट ग्रिल है इसमें आपको ब्लैक कलर के साथ साथ क्रोम का भी यूज़ देखने को मिल जाता है। 4 पार्किंग सेंसर फ्रंट में भी आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। और जो फ्रंट बम्पर का जो डिज़ाइन है वो कुछ अलग सा बनाया गया है, ये आप देख सकते हैं शार्प एजेस से इसमें दिए गए हैं, जिससे कि इसकी ओवरऑल जो फ्रंट प्रोफाइल है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाती है। अब इसकी DRL और हेडलैम्प्स दिखाऊँ तो ऐसे कुछ इसमें ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। हेडलाइट के नीचे की तरफ इसमें जो टर्न इंडिकेटर है उसकी प्लेसमेंट दी गई है। दोस्तों, अब इसके साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो इसमें आपको साइड प्रोफाइल में फेंडर पर ऑटो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, साथ में अपोलो के टायर दिए गए हैं। जिसकी प्रोफाइल की बात की जाए तो 205/55R16 इंच की टायर सेक्शन इसमें देखने को मिलते हैं। मल्टी कलर में डायमंड कट अलॉय व्हील्स इसमें दिए गए हैं। फ्रंट में डिस्क ब्रेक इसमें ऑफर की जाती है, सो जो डिज़ाइन है इसका अलॉय व्हील्स का वो भी काफ़ी अच्छा बनाया गया है। ORVM पे ही आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं। बॉडी कलर में ऊपर की तरफ ORVM मिलते हैं और नीचे की तरफ इसमें ब्लैक कलर का यूज़ किया गया है। और अगर डोर बीडिंग की बात की जाए तो इसमें सिल्वर ट्रीटमेंट का यूज़ देखने को मिल जाता है। साथ ही इस वाले वेरिएंट में आपको जो डोर हैंडल है वो सिल्वर ट्रीटमेंट में मिलते हैं और रिक्वेस्ट सेंसर भी इसमें दिया जाता है, साथ ही की इंसर्ट करने के लिए भी इसमें ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि हमने इसके फ्रंट बोनट पे देखा था, वैसे ही साइड प्रोफाइल में भी आपको काफ़ी लाइनिंग का यूज़ देखने को मिल जाता है, जिससे इसकी जो लुक और भी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। जो इसका सी पिलर है इसमें आपको सिल्वर ट्रीटमेंट का यूज़ देखने को मिल जाता है, साथ में मैट ब्लैक कलर का भी इसमें यूज़ किया गया है। ऐसी कुछ इसमें जो ओवरऑल जो इसकी साइड प्रोफाइल है विद लाइनिंग, ऐसी कुछ इसमें देखने को मिलती है। अब हम चलते हैं इसके रेयर प्रोफाइल में और वहाँ पर हम चेकआउट करते हैं क्या कुछ हमको डिज़ाइन देखने को मिलता है। सो यहाँ पर भी आपको मेजर डिज़ाइन चेंज देखने को मिलेगा। शार्क एंटीना इसमें दिया गया है, डिफोकर इसमें देखने को मिलता है, हाई माउंट स्टॉप लैंप भी इसमें दिया गया है और ऐसे कुछ इसमें कनेक्टेड LED टेल लैंप ऑफर की जाती है। सो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया इसका डिज़ाइन बनाया गया है। सेंटर में Hyundai की ब्रांडिंग, Verna की ब्रांडिंग और नीचे की तरफ कैमरे की प्लेसमेंट इसमें की गई है और पीछे की तरफ भी आपको इसमें 4 पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाते हैं। लोअर बम्पर में इसमें 2 रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाते हैं और जो इसका डिज़ाइन है डायमंड पैटर्न का यूज़ किया गया है और जो कि काफ़ी अच्छा इसका डिज़ाइन लगता है देखने में। Verna में एक चीज़ और मेरे को सही लगी, इसमें आपको जो वेरियंट है उसकी ब्रांडिंग भी दी जाती है। अब बात की जाए इसके बूट स्पेस की तो यहाँ पर आपको बटन मिल जाता है बूट ओपन करने के लिए, तो इसमें ऐसा कुछ 528 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी मैसिव इसमें बूट स्पेस दिया गया है। और फिफ्थ टायर की बात की जाए तो इसमें आपको यहाँ पर फिफ्थ टायर दिया गया है। नॉर्मली जो स्पेयर व्हील होता है वो कंपनी एक साइज छोटा देती है, तो इसमें भी आपको एक साइज छोटा ही मिलेगा। 185/65R15 की इसकी प्रोफाइल दी गई है। अब बूट लैम्प की बात की जाए तो साइड में बूट लैम्प नहीं मिलेगा, इसमें आपको मिलता है टॉप में, यहाँ पर इसकी प्लेसमेंट दी गई है, साथ में स्पीकर की प्लेसमेंट भी इसमें मिल जाती है। सो ऐसा कुछ इसमें बूट स्पेस देखने को मिलता है। अब इसके अदर साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो यहाँ पर आपको फ्यूल लीड देखने को मिलती है, जिसकी कैपेसिटी दी जाती है 45 लीटर्स की। अब इसके अदर डायमेंशंस की बात की जाए तो इस गाड़ी में आपको इसकी वेट, व्हील बेस और जो इसका बूट स्पेस है, जितने भी इसके कॉम्पिटिटर्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा इसमें ऑफर किया जाता है। कंप्लीट इसकी डायमेंशंस की डिटेल्स आप स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हैं। इस गाड़ी में आपको 2 रिमोट कीज़ ऑफ़र की जाती है, जिसमें
लॉक अनलॉक बूट ओपन करने के लिए, और बीच में जो होल्ड का बटन दिया गया है लॉन्ग प्रेस करेंगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, और बैक साइड में ह्यूंडई की ब्रांडिंग इसमें दी गई है। अब हम ओपन करते हैं इसका ड्राइवर साइड डोर और चेकआउट करते हैं इसका क्या कुछ हमको ड्राइवर साइड डोर में देखने को मिलता है। सो जैसे हम इसका डोर ओपन करते हैं, इसकी वाइड ओपनिंग इसकी डोर की दी जाती है। इसमें आपको वाइट और ब्लैक कलर का जो इंटीरियर है, जो थीम है वो यूज़ की गई है, और जो लाइनिंग का जो ये पैटर्न्स यूज़ किए गए हैं ये भी अच्छे लग रहे हैं। सॉफ्ट मटेरियल इसमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पर ये हार्ड प्लास्टिक दिया गया है। ऑल फोर पावर विंडो इसमें दी जाती है। इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ORVM इसमें दिए गए हैं, उनके कंट्रोल्स भी यहाँ पर देख सकते हैं। जो सिल्वर इंसर्ट्स में आपको इनसाइड डोर ओपनर दिया जाता है। इसमें एक डोर में एक और ख़ास बात है, वो मैं आपको फर्दर दिखाऊंगा कि इसमें क्या कुछ ऐसा फर्स्ट टाइम इन सेगमेंट देखने को मिलता है। 2 कप होल्डर्स, बोस के स्पीकर्स और साथ में ट्विटर की प्लेसमेंट जो है वो डोर में ही दी गई है। इसकी सीट्स की बात की जाए तो इसमें आपको वाइट कलर के साथ लेदराइट सीट ऑफर की जाती है, जिनकी कुशनी काफ़ी अच्छी रखी गई है। हाइट एडजस्टेबल इसमें मैनुअली कर सकते हैं, और आगे पीछे और जो रेकलाइन है वो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल कर सकते हैं। इसमें आपको वेंटिलेटेड सीट्स भी मिलती है फ्रंट की दोनों, और जो डिज़ाइन दिया गया है, जो पैटर्न का यूज़ किया गया है सीट्स पर, वो भी काफ़ी अच्छा देखने में लगता है। और यहाँ पर आप टायर प्रेशर की इन्फॉर्मेशन है वो आप चेकआउट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कार के अंदर और वहाँ पर हम देखते हैं कि क्या कुछ हमको इसके डिज़ाइन पैटर्न में नया चेंजेस देखने को मिलता है। सो उससे पहले आप देख सकते हैं इसका ओवरऑल जो इसका इंटीरियर है वाइट और ब्लैक कलर के साथ इसमें दिया गया है। अब जो मैंने आपको बताया था कि डोर में क्या कुछ चेंज देखने को मिलता है इसमें नया, वो है इसकी एम्बियंट लाइटिंग। ये जो 4 लाइंस दी गई है इनमें आपको एम्बियंट लाइटिंग प्रोवाइड की गई है, और डैशबोर्ड में भी आपको एम्बियंट लाइट दी जाती है, जो कि नाइट के टाइम काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। और दूसरे डोर में भी आपको सेम लाइट आपको दी जाती है। अब इसके स्टेयरिंग व्हील की बात की जाए तो इसमें आपको लेदर रैप्ड स्टेयरिंग व्हील दिया जाता है, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। सेंटर में ह्यूंडई का लोगो, एयरबैग की बैजिंग, हॉर्न भी सेंटर में दिए गए हैं। लेफ्ट साइड की जो इसके कंट्रोल है MID को इसको सेट कर सकते हैं। राइट साइड में आप मोड और जो इसकी वॉल्यूम्स है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, और कनेक्ट डिसकनेक्ट कॉल को वो आप कर सकते हैं। सो ऐसा कुछ इसमें स्टेयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है। राइट साइड में हेडलैम्प्स के कंट्रोल इसमें देखने को मिल जाते हैं, और लेफ्ट साइड में वाइपर के कंट्रोल्स इसमें दिए गए हैं। इस वेरिएंट में आपको कंपनी पुश स्टार्ट स्टॉप बटन ऑफर करती है, और साथ में जो वाइट कलर है ये सॉफ्ट लेदर का यूज़ किया गया है। इसमें नीचे की तरफ ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन, और हेडलाइट लेवल करने के लिए कंट्रोल्स दिए गए हैं। नीचे की तरफ बोनट ओपन करने के लिए भी इसमें ऑप्शन दिया गया है। अब जैसे ही हम इस बटन को 2 टाइम प्रेस करते हैं तो इसका इग्निशन ऑन हो जाता है। तो ऐसे कुछ इसमें फुली डिजिटली इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है, जिसमें सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन इसमें दी जाती है। लेफ्ट साइड में इसमें स्पीडोमीटर और राइट साइड में RPM मीटर दिया जाता है। सेंटर में आप अदर इन्फॉर्मेशन इसमें चेकआउट कर सकते हैं। अब इसके सेंटर कंसोल की बात की जाए तो इसमें आपको 8 इंच की टच स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जिसके सराउंडिंग पियानो ब्लैक कलर का यूज़ किया गया है। जो इसकी फ्रंट डिस्प्ले है वो ऐसे लगता है जो स्पीडोमीटर है, और जो ये टच स्क्रीन है ये कनेक्टेड है, लेकिन इसमें बीच में पार्टीशन भी दिया गया है पियानो ब्लैक कलर के साथ। जो टच स्क्रीन है इसका रिस्पॉन्स मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन इसमें दी जाती है, जैसे कि एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, FM AM, और कुछ सेटिंग्स भी आप इसमें कर सकते हैं, और जो क्लाइमेट कंट्रोल्स है ऑटोमेटिक वो भी आप इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं यहीं से ही। सो इसका जो रिस्पॉन्स है मुझे काफ़ी सही लगा। टच स्क्रीन से नीचे की तरफ देखें तो इसमें 2 AC वेंट्स दिए गए हैं, और उससे नीचे की तरफ इसमें जो क्लाइमेट कंट्रोल है और जो ऑडियो के कंट्रोल्स है वो इसमें देखने को मिल जाते हैं। और इसमें एक और ख़ास बात ये है कि जो ये वाला बटन है, इससे आप अपने जो क्लाइमेट कंट्रोल है उसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं, और दोबारा प्रेस करेंगे तो इसमें ऑडियो के कंट्रोल्स हैं उनको भी आप सेटिंग कर सकते हैं। सो ये वाला फंक्शन है काफ़ी अच्छा मुझे लगा, और फर्स्ट इन सेगमेंट ये ह्यूंडई वर्ना में इंट्रोड्यूस करवाया गया है। और उससे नीचे तरफ इसमें वेंटिलेटेड जो सीट्स हैं उनके बटन्स दिए गए हैं, और इसमें कोल्ड और हीटेड दोनों ही टाइप की वेंटिलेटेड सीट्स इसमें ऑफर की जाती है। उससे नीचे की तरफ इसमें 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट, सी टाइप का पोर्ट, और साथ में USB पोर्ट इसमें दिया गया है। और साथ ही में इस वाले पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको वायरलेस चार्जर भी दिया जाता है। ये आप देख सकते हैं इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गियर बॉक्स, जिसके सराउंडिंग सिल्वर ट्रीटमेंट का यूज़ किया गया है, और यहाँ पर 2 कप होल्डर्स इसमें दिए गए हैं। इसमें सेंटर में आर्मरेस्ट भी दी जाती है, और इसके अंडर स्टोरेज का भी ऑप्शन दिया गया है। सो कुछ छोटा मोटा सामान आप इसमें इजीली स्टोर कर सकते हैं।
और अब नेक्स्ट हम बात की जाए तो इसमें SOS के साथ और ब्लू लिंक के साथ IRVM दिया गया है जो कि ऑटो फंक्शन के साथ आता है। कैबिन लाइट आपको इसमें LED में ऑफर की जाती है और साथ में सनरूफ के कंट्रोल्स भी यहीं पर ही आपको इसमें दिए गए हैं। और यहाँ पर बात की जाए तो ड्राइवर साइड में आपको वैनिटी मिरर दिया जाता है। अब चेकआउट करते हैं इसके को ड्राइवर साइड, यहाँ पर भी आपको वैनिटी मिरर दिया जाता है। सो ये आप देख सकते हैं इसकी सनरूफ, ऐसे कुछ इसमें सनरूफ दी गई है, नॉर्मल साइज़ की रखी गई है। अब बात की जाए इसके ग्लो बॉक्स की तो इसमें आपको कूल्ड ग्लो बॉक्स देखने को मिल जाता है जिसमें डिसेंट स्पेस दिया गया है। सो ओवरऑल जो इसका इंटीरियर है वो काफ़ी प्रीमियम रखा गया है जिससे कि ये कार इस पर्टिकुलर सेगमेंट में वन ऑफ द प्रीमियम कार बन जाती है। अब फ्रंट से हमने सब कुछ कवर कर लिया है, अब हम चलते हैं इसके रेयर सीट पे और वहाँ हम चेकआउट करते हैं कि क्या कुछ हमको कंफर्ट देखने को मिलता है, क्या कुछ वहाँ पर हमको न्यू फीचर्स देखने को मिलते हैं। रेयर डोर में भी आपको वाइड ओपनिंग दी गई है, इसमें भी आपको वाइट कलर और ब्लैक कलर की जो थीम है वो देखने को मिल जाती है। सॉफ्ट मटेरियल का यूज़ यहाँ पर भी किया गया है, ये भी हार्ड प्लास्टिक यहाँ पर देखने को मिलता है। कुछ स्पेस, पावर विंडो कंट्रोल, सिल्वर ट्रीटमेंट में इनसाइड डोर ओपनर दिया गया है, बोस के स्पीकर और यहाँ पर बोतल होल्डर की प्लेसमेंट दी गई है। सो ऐसे कुछ इसमें जो रेयर सीट है वो देखने को मिल जाती है वाइट कलर के साथ। और टू एडजस्टेबल इसमें हेडरेस्ट ऑफर किए जाते हैं, सेंटर में इसमें आर्म रेस्ट भी दी जाती है। आगे वाली सीट मैंने अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट की है, फॉर योर रेफरेंस मेरी हाइट है 5 फीट 4 इंच। सो ऐसा कुछ इसमें स्पेस देखने को मिल जाता है। सेंटर में 2 AC वेंट, नीचे की तरफ कुछ स्पेस और सी टाइप चार्जिंग पॉइंट दिए जाते हैं 2। और जो इसका फ्लोर है ऑलमोस्ट फ्लैट रखा गया है तो इसमें 3 पैसेंजर इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे कि इसकी विड्थ भी इंक्रीज़ की गई है तो 3 पैसेंजर को कोई भी परेशानी नहीं रहने वाली है। यहाँ पर आप डोर पॉकेट देख सकते हैं, को ड्राइवर साइड में भी डोर पॉकेट दी गई है। रेयर सीट से जो फ्रंट कैबिन है वो कुछ ऐसा नज़र आता है, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियमनेस इसकी इंक्रीज़ कर दी गई है। LED में इसमें रेयर रीडिंग लैंप ऑफर किया जाता है। अब बात की जाए इसके डोर हैंडल्स की तो इसमें 3 साइड्स में दिया जाता है, लेकिन जो कोट हुक की जो प्लेसमेंट है वो इस वाली साइड में ही देखने को मिल जाती है। इस गाड़ी में आपको प्रीमियम फीचर्स के साथ साथ जो सेफ्टी फीचर्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं, जिनकी सारी डिटेल आप स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों ये था कंप्लीट डिटेल रिव्यू न्यूली लॉन्च्ड Hyundai Verna SX IVT वेरिएंट का। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।